बीते साल अक्टूबर में लद्दाख में 38 भारतीय सैनिक हिमस्खलन में फंस गए थे। हादसे के बाद भारतीय सेना के चलाए गए अभियान में कई सैनिकों को बचा लिया गया था। एक सैनिक का शव भी बरामद हुआ था, लेकिन तीन अन्य सैनिकों का कुछ पता नहीं चल सका। ये सैनिक बर्फ में दब गए थे। अब घटना के करीब 9 महीने बाद इन तीन सैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। इनकी पहचान हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर, बहादुर अले और नायक गौतम राजवंशी के रूप में की गई है। तीनों जवानों के पार्थिव शरीर बर्फीली खाई के इलाके में बर्फ की परतों के बीच दबे थे। लापता हुए तीनों सैनिकों का पता लगाने के लिए विशेष राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया था, लेकिन तब इस अभियान में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। अब करीब 9 महीने बाद बर्फ में से तीनों सैनिकों के शव ढूंढे निकाले गए हैं। सेना के इस मिशन का नेतृत्व हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट ब्रिगेडियर SS शेखावत ने किया। इस मिशन में शामिल रहे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन था। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक यहां करीब 18,700 फीट की ऊंचाई पर 9 दिन तक लगातार जटिल परिस्थितियों में 10 से 12 घंटे तक खुदाई की गई। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई टन बर्फ हटाई गई। इस दौरान कठिन मौसम शारीरिक और मानसिक चुनौतियां भी देता रहा। भारी कठिनाइयों के बावजूद सेना अपने इस मिशन में कामयाबी हासिल की और तीनों लापता जवानों के शव ढूंढ निकाले गए। तीनों सैनिकों में से एक का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। किन्नौर जिले के शहीद जवान रोहित की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव तरांडा लाई गई। गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शवों को बरामद करने के लिए 18 जून को ऑपरेशन RTG शुरू किया गया था। इस मिशन का नाम लापता सैनिकों के सम्मान में रखा गया था और बचाव अभियान में 88 विशेषज्ञ पर्वतारोही शामिल हुए थे। खुमंबा थांग से लगभग 40 किलोमीटर पहले एक कैंप स्थापित किया गया और 2 हेलीकॉप्टर को भी तैयार रखा गया। सड़क मार्ग से करीब 13 किलोमीटर दूर 14,790 फुट की ऊंचाई पर आधार शिविर स्थापित किया गया। HAWS के कमांडर मेजर जनरल ब्रूस फर्नांडिस आधार शिविर में स्वयं मौजूद रहे और अभियान की निगरानी की। HAWS के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर SS शेखावत ने व्यक्तिगत तौर से खोज अभियान का नेतृत्व किया और कामयाब हुए। वीडियो डेस्क NPT ऑनलाइन।